आज मैं आपको टॉप 5 मोस्ट इनोवेटिव एप्स ऑफ 2016 के बारे में बताऊंगा, जिन्हें गूगल ने खुद रैंकिंग की है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। If you ain't at a party, take your ass back home. If you get it naughty, baby, here's my... फर्स्ट ऐप इस लिस्ट पर है कॉन्टैक्ट्स फोन डायलर, इसको आप ड्रूप भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 4 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपको उन 4 डॉट्स को राइट साइड को स्वाइप करना है और आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऊपर आपको फीचर्स दिए गए हैं कि ऑल कॉन्टैक्ट्स, फेवरेट्स एंड रीसेंट कॉन्टैक्ट्स। तो जैसे कि मैं फेवरेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और अगर आपको किसी भी नंबर पर कॉल करना है या फिर कोई मैसेज करना है या व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, किसी पर भी मैसेज करना है, तो आपको बस उस कॉन्टैक्ट को प्रेस करना है और ड्रैग करके किसी भी चीज़ पर आप ड्रॉप कर सकते हैं जो आपका टास्क है। जैसे कि मैं कॉलिंग पर करूँगा तो ये कॉल लग जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर बस 4 ही ऑप्शन है, अगर आप लेफ्ट साइड को स्वाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके फ़ोन में ऐप होंगे वो सारे यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। अगर वो स्नैपचैट है या इंस्टाग्राम है, वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। सिंपली बस अपने कॉन्टैक्ट को प्रेस करना है, ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है जो भी आपका टास्क है। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर आप कोई नंबर डायल करना है तो यहाँ पर डायलर का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर डायल भी कर सकते हैं नंबर, और यहाँ पर लॉग प्रेस करके कॉल भी हो जाएगी। और नीचे राइट साइड में आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन भी दिया जाता है, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई कॉन्टैक्ट सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और अगर आप कोई कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस आइकन दिया गया है, आप यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हैं, न्यू रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, न्यू नोट भी बना सकते हैं और कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर आपने ये ऐप अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आपको ये ऐप ट्राई करना चाहिए। और इस ऐप की सेटिंग में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप इज साइबरलिंक पावर डायरेक्टर। मैं इस ऐप के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एस्पेक्ट रेशियो आप अपने अकॉर्डिंग से रख सकते हैं, ओके करना है। आपका एडिटिंग इंटरफेस ऐसा कुछ होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी टाइमलाइन है। अगर आपको टाइमलाइन पर कोई वीडियो या फिर इमेज को डालना है तो आपको इस फर्स्ट आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको कोई भी अपनी वीडियो सेलेक्ट करनी है उसे प्रेस करना है एंड होल्ड रख के उसको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। ऐसे ही अगर आपको कोई इमेज डालनी है, यहाँ पर आप कोई भी इमेज पिक करके डाल सकते हैं। यहाँ पर इस ऐप में आपको इनबिल्ट ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप इस वीडियो एडिटिंग ऐप को पूरी तरह सीख सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में आपको ट्यूटोरियल्स का ऑप्शन मिलेगा, अब उन्हें सेलेक्ट करें और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर टाइप के ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं इस ऐप को यूज़ करने के लिए, आप इन्हें देख के सीख सकते हैं। ओवरऑल देखें तो ये ऐप बेस्ट है वीडियो एडिटिंग के लिए। अब अगर आप इसका प्रो वर्जन ले लेंगे तो आपके पास और भी काफ़ी फीचर्स आ जाएंगे। अपनी एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर टॉप पर एक ऑप्शन दिया गया है, आप उसे सिलेक्ट करें। आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं या फिर आप प्रोड्यूस वीडियो कर सकते हैं। अगर आप प्रोड्यूस वीडियो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं सेव टू गैलरी, या फिर आप इन्हें डायरेक्टली फेसबुक या यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं, ये सीधा ही अपलोड हो जाएगी। ये अगर आप सेव टू गैलरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास HD और SD ऑप्शन आते हैं, आप इन्हीं ऑप्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं वीडियो। अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो आप फुल HD वर्जन को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप इस लिस्ट में है एम्पमी सोशल। बेसिकली इस ऐप का आइडिया बहुत ही ऑसम है, ये एक म्यूजिकल ऐप है। आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस बिल्कुल ही सिंपल है, आपको आपकी लोकेशन सेटिंग्स ऑन करनी है। अगर आपके नियर बाय एरिया में कोई पार्टी चल रही है तो ये आपको यहाँ पर सर्च करके बता देगा कोई पार्टी चल रही है। अगर वो पार्टी किसी ने होस्ट की हुई है तो उसके साथ अपनी प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं और वो आपके म्यूज़िक प्ले कर देगा। जैसे कि यहाँ पर कोई पार्टी नहीं मिली तो आपको एक पार्टी होस्ट करनी है, इसलिए आपको कोई सॉन्ग सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने सॉन्ग प्ले किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड फ्रेंड्स का, तो जैसे ये सॉन्ग चल रहा है तो आप 7-8 जने हैं तो ये शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और सब फोन में ये सिंगल सॉन्ग चलेगा जिससे कि आपको वॉइस में बूस्ट अप मिलेगा। इस ऐप का मेन मोटिव ये है कि ये ऐप आपको स्पीकर बना देगा, जिसके पास भी फ़ोन है सब फोन एक साथ रखो और सब पे सेम सॉन्ग चलेगा और आपके फ़ोन स्पीकर बन जाएंगे और आप पार्टी का मज़ा ले सकते हैं। इस ऐप का आइडिया बहुत ही इनोवेटिव है। अगर अब आपने कोई पार्टी करनी है तो इसके लिए आपको कोई स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने फ़ोन्स को एक साथ ज्वाइन करें एम्पमी ऐप से और आपके फ़ोन्स ही एक स्पीकर का काम करेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं,
जैसे कि यहाँ पर आप यूट्यूब से भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी से भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और साउंड क्लाउड से भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऐप है शेयर द मील। 290 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हंगर, तो उनको हेल्प करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐप का इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है जहाँ पर लिखा है शेयर द मील। अगर आप उसको टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। फीड अ चाइल्ड फॉर वन डे फॉर 30 रुपीज़, तो आपको यहाँ पर 30 रुपीज़ डोनेट करने हैं और एक चाइल्ड का वन डे का खाना आपकी तरफ से होगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे कि वन वीक के लिए 210 रुपीज़, वन मंथ के लिए 900 रुपीज़ एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मंथली भी डोनेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मील्स शेयर्ड सो फार 9.5 मिलियन मील्स शेयर हो चुके हैं। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स को ये ऐप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी डोनेट कर सकें मील के लिए। यहाँ पर आप इनकी साइट ओपन करके आप इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सब कुछ पढ़ सकते हैं, इनका क्या मोटिव है, क्या एम है, आप सब कुछ रीड कर सकते हैं या फिर इस ऐप पर भी आप रीड कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि इनका 97% गोल रीच हो गया है, बस 3% टू गो है। यहाँ पर लैपटॉप में आपके पास एक ऑप्शन है न्यूज़ का, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी, आप यहाँ पर इनकी न्यूज़ पढ़ सकते हैं या फिर वीडियोस वॉच कर सकते हैं, न्यू एक्टिविटीज़ जो भी ये अपडेट करेंगे आप इनसे जुड़े रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किसी ने ये सोचा कि गरीब बच्चों को खाना कैसे देना है, तो इसीलिए ऐप टॉप 5 मोस्ट इनोवेटिव ऐप्स की लिस्ट में है। हैट्स ऑफ मैन। लास्ट ऐप जो इस लिस्ट में है उसका नाम है रेसिपी बुक। ये एक इंटेलिजेंट कुकिंग ऐप है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग पर वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत टाइप की रेसिपीज मिल जाती हैं। अगर आप किसी रेसिपी को ओपन करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइमिंग भी दी गई है, टोटल टाइम कितना लगेगा, प्रिपरेशन टाइम कितना लगेगा, कुकिंग टाइम कितना लगेगा। और अगर आप इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपको उसकी कैलोरीज, फैट कंटेंट, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ बताएगा, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप इसको फेवरेट में ऐड कर सकते हैं और जिससे ये ऑफलाइन सेव हो जाएगा, जिससे आप कभी भी कहीं भी इसको ओपन करके अपनी डिश को बना सकते हैं। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विंग्स 4 to 6 मेंबर को आपका सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको इंग्रेडिएंट्स दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप उस पर ऐड पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये इंग्रेडिएंट आपकी शॉपिंग लिस्ट में चला जाएगा। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, अपनी शॉपिंग लिस्ट में जाकर आप इसे यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, आपकी फेवरेट रेसिपी यहाँ पर फेवरेट सेक्शन में अवेलेबल होंगी। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है शेक एंड मेक का। शेक एंड मेक में आपको, अगर आपके पास कोई भी इंग्रेडिएंट है उनको सिलेक्ट करें, इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आपको फ़ोन को शेक करना है। शेक करने के बाद आपको इन इंग्रेडिएंट्स से जो भी डिश बन सकती है ये आपको शो हो जाएंगी, आप इनमें से कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है स्नैप एंड कुक। अगर आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स है आप उनकी पिक्चर्स ले लीजिए और ये आपको एनालाइज करके बताएगा कि आप अपने इंग्रेडिएंट से क्या कुछ बना सकते हैं। आप यहाँ पर स्नैप एंड कुक यूज़ कर सकते हैं या फिर स्नैप एंड शेक। और यहाँ पर रिमूव एड्स के लिए ऑप्शन दिया गया है, जो कि ऑब्वियस है कि अगर इसका प्रीमियम वर्जन बाय करेंगे तभी मिलेगा। और यहाँ पर आप अपनी रेसिपीज़ को अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी रेसिपीज़ अपलोड करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें आप सिलेक्टेड ई कॉमर्स साइट पर यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये ऐप्स पसंद आए तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये सारे ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ टैग से ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चले कि टॉप मोस्ट इनोवेटिव ऐप ऑफ 2016 कौन से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।